स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल वर्क में। आज हम जो है आज आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा होल्डिंग। ठीक है कि हम कॉन्डक्टर को होल्डिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, होल्डिंग जो है काम कैसे करता है। पहले हम इसकी जो है कवर खोल देंगे कॉन्डक्टर का। ये देखिए ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है। ठीक है अब मैं इसको ओपन ही करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे होल्डिंग कैसे काम करता है। पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है L1 और L2। L2 की जो वायर है जिसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं, उस वायर को ना यहाँ से कनेक्ट करके इसमें कॉमन कर देंगे A2 में। ठीक है चलिए जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल है A2 से कॉमन हो चुका है। ठीक है हमें सिर्फ यहाँ से सप्लाई देनी रहेगी। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करता है। मैं यहाँ एक वायर लगाऊंगा, ठीक है इस वायर को हम क्या करेंगे A1 में डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है ये हमारा जुड़ गया। ठीक है यहाँ पे हम देते हैं सप्लाई, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करता है। ये देखिए दोस्तों ये हमने दे दिया सप्लाई इसमें। ये आप देख सकते हो, अगर अब इसमें हमने पुश बटन का यूज़ तो किया नहीं है, अभी इसे हम होल्ड कैसे करेंगे। तो होल्ड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, हम जब इसके कैरियर को दाबेंगे तो ये देखिए ये होल्ड हो गया, देख सकते हो आप। चलिए एक बार ऑफ कर देता हूँ, अब देखिए अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगा ये ऑन हो गया। इसमें हुआ क्या कि यहाँ से जैसे न्यूट्रल को तो हमने कॉमन कर रखा है, लेकिन जो हमारी फेज की वायर आ रही है वो क्या है, इसके कॉन्डक्टर के आउटपुट से सीधी कॉइल में जा रही है। जैसे ही हम इसको प्रेस कैरियर को दबाते हैं तो क्या होता है कि ये करंट जो इधर अलाउ कर देता है, ठीक है और वो अलाउ होने के बाद सीधा कॉइल में जा रहा है। तो ये होल्ड हो चुका है लेकिन ऑफ नहीं होगा। ऑफ करने के लिए हमें फिर मेन स्विच में जाना पड़ेगा, उसको इस तरीके से बंद करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये एनो पुश बटन का कनेक्शन करेंगे। तो हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे हम, वो पुश बटन के एक पॉइंट में डाल देंगे। ठीक है यहाँ से एक वायर लेंगे, वो हम पुश बटन के ये 3 नंबर में डाल देंगे। ठीक है किसी भी पॉइंट में आप यूज कर सकते हो, बस कॉमन ही होता है। तो यहाँ से हम एक वायर लेके इसके एक पॉइंट में यूज करेंगे। ठीक है चलिए इसको जोड़ लेते हैं। ये कॉइल की वायर पहले खोल लेते हैं क्योंकि ये कनेक्शन जो है डायरेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें करेंगे पुश बटन का कनेक्शन। पहले हम यहाँ से एक वायर लेंगे जो पुश बटन में डाल देंगे, ठीक है ये हमारी सीधी पावर की आ गई। ठीक है और एक हम जो है वायर लेंगे यहाँ से हम दो वायर निकालेंगे, एक तो हमारा पुश बटन में आएगा और दूसरा हमारा चला जाएगा कॉइल में। ये तो कॉइल में लगी है, ठीक है इसको तो लगा रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक वायर और लेंगे हम यहाँ से ऐड करेंगे पुश बटन में, और दूसरी साइड से जो है हम यहाँ से पावर की सप्लाई ले लेंगे। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से हमने एक पावर की जो वायर थी जिसमें सप्लाई आ रही है वो हमने एक पुश बटन के एक सिरे पे लगा दिया, और यहाँ से जो आउटपुट निकलता है कॉन्डक्टर का वहाँ से एक तो कॉइल में चली गई और दूसरी आ गई हमारी पुश बटन में। अब अगर हम इसमें सप्लाई देंगे, इस बटन को अगर मैं प्रेस करूँगा तो हमें ये जो है कैरियर दबाने की ज़रूरत नहीं है, कैरियर को दबाने की ज़रूरत नहीं है, बटन को ही सिर्फ प्रेस करना है ये चालू हो जाएगा। ठीक है चलिए इसको मैं सप्लाई देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये देखिए चल गया है लेकिन ये बंद नहीं होगा। अब बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बटन का यूज़ करेंगे NC। पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉइल में वायर गई है ना हमारी, वो पहले इसके एक पॉइंट में आएगी, दूसरी तरफ से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा कॉइल में जाएगा। ठीक है क्योंकि इसकी सप्लाई शुरू में अलाउ रहती है, जैसे हम बटन को प्रेस करते हैं तब ये कट करता है, इसकी सप्लाई जो है ख़त्म हो जाती है।
और इस बटन में क्या होता है, जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं तब ये सप्लाई पास करता है। ये सेम टू सेम कॉन्टैक्टर की तरह है, लेकिन कॉन्टैक्टर में कॉइल लगी होती है, इसको हमें मैनुअली काम करना पड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉइल की वायर है इसको निकाल देंगे, इसको डाल देंगे हम इसके एक पॉइंट पे, ठीक है। और दूसरी तरफ से जो वायर निकलेगी उसको हम डाल देंगे यहाँ, क्योंकि ये पिक हो चुका है, ठीक है। अब ये बंद नहीं होगा, बंद करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, मेन सप्लाई ऑफ करनी पड़ेगी। अब मैंने मेन सप्लाई दे दी, फिर चालू हो गया, लेकिन बंद नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉइल की जो वायर है उसको डाल देंगे इसमें, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो डाल देंगे हम कॉइल में, ठीक है। चलिए इसको जोड़, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसका कनेक्शन यहाँ पुश बटन में कर दिया, और दूसरी तरफ से जो है हम एक वायर लगाएंगे, उसको सीधा कॉइल में कनेक्शन कर देंगे, इसको हम कॉइल में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, जो यहाँ से जो कॉन्डक्टर का आउटपुट आया है वो तो हमने एनसी में डाला, एनसी से आउटपुट लेके सीधा उसमें डाल दिया, कॉइल में डाल दिया। अगर अब इसको हम ऑफ करना चाहें तो हम ऑफ कर सकते हैं, ये देखिए मैंने सप्लाई दे दिया, ये देखिए ये हमारा कॉन्डक्टर चल गया है, ठीक है। अब मैं अगर इससे बंद करूँगा तो ये बंद होगा, ये देखिए होल्डिंग जो है हमारी इस तरीके से काम करती है। चलिए मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये तो हमारा पी और एन की सप्लाई आई, तो एन जो है सीधा कॉइल में चली गई कॉन्डक्टर के, ठीक है। जो हमारे L1 में आई है उसमें से हमारा जो है एक पुश बटन में गया है, ठीक है, एनओ में। तो एनओ से जो दूसरा आउटपुट निकला है कॉन्डक्टर के T1 से जो है हमारे एनओ में चला गया, और वहीं से एक जो है हमारा एनसी में चला गया, ठीक है। एनसी से जो आउटपुट निकला वो सीधा A1 में कॉइल में चला गया। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए ये कॉन्डक्टर चल रहा है, बंद हो रहा है। तो स्टार्टरों में जो है हम होल्डिंग होल्डिंग जो करते हैं इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर स्टार्टर के बारे में, अगर आप स्टार्टर में हम होल्डिंग कैसे लेते हैं इसकी, इसके बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।